नमस्कार, जीएमडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नंदिनी लाक्षकार। खबरों के विस्तार में जाएंगे, उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम योगी का आज कानपुर दौरा, सीएसए में डिफेंस एक्सपो का करेंगे अवलोकन, उद्यमियों को सरकार की योजनाओं से कराएंगे अवगत। नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना आज पहुंचे कानपुर, स्वच्छता रैली के जरिए जनता को कर रहे हैं जागरूक, 55 करोड़ के कामों का कर रहे हैं शिलान्यास और लोकार्पण। कानपुर के सीसामऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, मुठभेड़ में शातिर अपराधी अनिल को लगी गोली, बदमाश की गोली से एक सिपाही भी घायल, ओरसला अस्पताल में कराया गया भर्ती। और अब खबरें विस्तार से। बांदा के तिंदवारी विधानसभा से भाजपा विधायक ब्रजेश प्रजापति के बागी तेवर देखने को मिले हैं, जहां स्वाभिमान रैली को विधायक ने संबोधित किया और अपनी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि देश और प्रदेश में सरकार में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबों के साथ अन्याय और अत्याचार बढ़ता जा रहा है। विधायक यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने एक स्थानीय जनप्रतिनिधि के खिलाफ भी बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। महंगाई का एक बड़ा जिम्मेदार भ्रष्टाचार भी है। भ्रष्टाचार की वजह से देश में गरीबी और महंगाई बढ़ी है। शायद ही ऐसा कोई सरकारी दफ्तर होगा जहां पर रिश्वत ना ली जाती हो। और पहले तो रिश्वत लेने में आदमी कायली महसूस करो करते हैं कि लागत है कौनो गलत काम कर रहा हूं, उसको अपराध का बोध होता था। परंतु आज तो ऐसे हालात हो गए हैं कि वो रिश्वत अपना अधिकार समझता है। जालौन के गरौठा भोगनीपुर सीट के लिए साल 2019 लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है, जिसके लिए जिले में 17 नवंबर को पूर्व सभापति मानवेंद्र सिंह 11,000 बाइकों की रैली निकालकर कमल संदेश के जरिए लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। इस विशाल बाइक रैली को कमल संदेश का नाम दिया गया है। जिले को 16 मंडलों में बांटा गया है, जिसमें 138 सेक्टर में 1509 बूथ बनाए गए हैं। कानपुर देहात के अखंड परमधाम आश्रम मूसानगर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति द्वारा आयोजित 26वां भक्ति योग वेदांत संत सम्मेलन का आयोजन हुआ, जहां यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शिरकत की और इस सम्मेलन का शुभारंभ किया। जनपद की चारों विधानसभाओं की विकास परियोजनाओं के लिए 52 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया। इसके बाद बूथ कार्यकर्ताओं को माला पहनाकर और बीजेपी की पट्टिका गले में डालकर सम्मानित किया। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में फिर बीजेपी सरकार की बात बनने की बात कही और राम मंदिर पर कहा कि अयोध्या राम की जन्मभूमि है, जन्मभूमि के मुद्दे पर जो इसके पक्षकार हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार राम मंदिर निर्माण के लिए वचनबद्ध है, मामला सर्वोच्च न्यायालय में है। रामलला की जन्मभूमि है और जन्मभूमि के मुद्दे पर जो भी पक्षकार है वो लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार जो भी कन्नौज जिले में एक शादी समारोह में हो रहे डांस को देखना लोगों को महंगा पड़ गया। पूरा मामला तिरवा कोतवाली इलाके स्थित तिरवा कस्बे के लोहिया नगर वार्ड का है, जहां एक परिवार में शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान डीजे पर बाराती जमकर डांस कर रहे थे। इसी डांस को देखने के लिए आसपास मौजूद लोगों ने एक नवनिर्मित दीवार पर खड़े हो गए। दीवार पर भार ज्यादा होने की वजह से वो गिर गई और मलबे की चपेट में आकर करीब 15 लोग दब गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
शादी थी तो हम सब डांस हो रहे थे, लड़का बच्चा सब खड़े, तो हम लोग सब जने गुलगुले के लिए जैसे गुलगुले बना, तो हम लोग गुलगुले आटा फेंट फाट के और सब जने बैठ गए वो छज्जा, तो पूरे दीवार लौट गई है। कितने लोग घायल हैं? कम से कम 15-16 जने हैं। मकान उधर बन रहा था, ये जो है इधर लोग फाइट में बैठे थे, एकदम जो अचानक दीवार गिर गई। कितने लोग घायल हैं? लगभग 15 आदमी। कन्नौज जिले में हजारों सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। दरअसल सोशल मीडिया में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी सांसद पत्नी डिंपल यादव के विवादित पोस्ट डालने वाले की शिकायत करने के बाद भी कार्यवाही नहीं होने से नाराज सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी श्रीकांत प्रजापति ने नाराज सपा कार्यकर्ताओं को कड़ी कार्यवाही करवाने का आश्वासन देकर शांत कराया। फेसबुक पर माननीय अखिलेश यादव जी, डिंपल यादव जी के और कुछ मतलब ऐसे आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, जिसके विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग को लेकर के समाजवादी के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा आज चलाया गया था, ये ज्ञापन दिया गया है, जिसको लेकर के उस पर वैधानिक कार्रवाई करने के लिए और शीघ्र उसमें पता करके गिरफ्तारी के लिए निर्देश किया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 को लेकर नगर निगम लगातार प्रयास कर रहा है और कानपुर मंडल के जिलों की बैठक नगर निगम में की जा रही है। कन्नौज, फर्रुखाबाद और इटावा से सभी निकाय और निगमों के अधिकारी आए। लखनऊ से आई टीम ने स्वच्छता को लेकर कई निर्देश दिए। अधिशासी निदेशक ने कहा कि किसी भी हाल में प्रदेश का स्तर स्वच्छता में ऊपर लेकर आना है। बैठक चल रही है, बैठक के वर्कशॉप है जिसमें कि कानपुर मंडल के 3 जिले आज इटावा, फर्रुखाबाद और कन्नौज, इन जिलों के जो लोकल बॉडीज हैं के नगर पालिका और नगर पंचायतें, उनके अधिशासी अधिकारी और उनकी टीम के साथ जो हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 होने जा रहा है उसके संबंध में, उसकी तैयारियों का वो कार्यशाला चल रही है उनकी तैयारियों के संबंध में। और इसी प्रकार की एक कार्यशाला जो कल हुई थी जिसमें जनपद कानपुर नगर, जनपद कानपुर देहात और औरैया, 3 जनपद के अधिकारीगण प्रतिभागी हुए थे। आज उसके अतिरिक्त जो शेष 3 जनपद हैं उनके अधिकारीगण आज प्रतिभागी हैं। ये स्वच्छ सर्वेक्षण और स्वच्छ वाटर की स्पर्धा की तैयारी कराई जा रही है। फर्रुखाबाद, इटावा और कन्नौज, इन तीनों जिलों की तैयारी हो रही है। कल हम लोगों ने कानपुर नगर, कानपुर देहात और औरैया, 3 जिलों की तैयारी कराई थी। इनके समस्त निकाय यहाँ पे आज मौजूद है और स्पर्धा जो की उत्तर प्रदेश शासन की है उसकी बारीकियाँ बताई जा रही है। कन्नौज जिले के IIT परिसर में वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 16 कंपनियों ने 682 वैकेंसी के लिए बेरोजगार युवकों का इंटरव्यू लिया, जहां जिला कौशल विकास अधिकारी मुकेश श्रीवास्तव ने बताया कि IIT परिसर में दीक्षांत समारोह मनाने का सरकारी निर्देश मिला था। इसके साथ यहाँ रोजगार मेले का आयोजन भी हुआ। रोजगार मेले में करीब 1000 युवकों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। कानपुर विकास प्राधिकरण में प्राधिकरण दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 150 से ज्यादा शिकायतकर्ताओं ने शिकायत दर्ज करवाई। KDA उपाध्यक्ष किंजल सिंह ने बताया कि अवैध कब्जे और KDA से दस्तावेज मिसिंग जैसी कई शिकायतें सामने आई हैं, जिसमें कई का निस्तारण हो चुका है जबकि बाकी पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी। वहीं लंबे समय से खाली पड़े कॉलोनियों पर भी प्राधिकरण जल्द ही कदम उठाएगा। हम 150 शिकायतें आई, बेसिकली जो शिकायतें थी वो कब्जे को लेकर थी, अवैध कब्जे या किसी को ऑल्टरनेट प्लॉट चाहिए था। कई शिकायतें डेवलपमेंट वन जो प्राधिकरण द्वारा मिसिंग है हम लोग प्लॉटिंग एरिया में, उसको लेके आई हैं और काफ़ी शिकायतों का आज हम लोग ने यहाँ पर भी निस्तारण कराया है और ये प्रयास किया जाएगा कि अगले प्राधिकरण दिवस के पहले समस्त शिकायतों का निस्तारण हो। जैसे अभी जरौली में हम लोग की थी उसकी हम लोग निकाल रहे हैं, बाकी जो सनिग्वा अनिग्वा की जिस तरह की कॉलेज इलाके में भी काफ़ी मुझे उसके बारे में नहीं पता, सनिग्वा इत्यादि जिस तरह की कॉलेज है उनकी कॉस्टिंग करा के हम लोग उसको नीलामी के थ्रू निकाले।
कानपुर एसपी साउथ कार्यालय में बुजुर्ग दंपति न्याय की आस में पहुंचे, जिनको उनके बेटे ने घर से निकाल दिया है। दरअसल 78 साल के शिवप्रकाश शुक्ला कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र स्थित केडीए कॉलोनी में रहते हैं, जहां उनकी पुश्तैनी जमीन जायदाद और घर है, लेकिन इनके परिवार में अलगाव हो गया। बेटे ने धोखे और मारपीट कर जमीन जायदाद अपने नाम लिखवा ली और माता पिता के साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया, घर से निकाल दिया और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने बुजुर्ग दंपति को उनकी बेटी के घर भेज दिया है। वहीं कलयुगी बेटे के खिलाफ उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज करते हुए गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। को छल बल देकर दवा खिला करके दर्शन करा लिया, पैसा सब ले गया, 10 लाख रुपया ले गया और मेरी ससुराल में इसकी माँ को जमीन मिली थी 4 बीघा, वो भी बच्चों को दे दिया, वो भी बेच करके कॉलोनी ले लिया और हमारे पास गिरवा सब बेच दिया 10 लाख के अलावा। अब मेरे पास कुछ नहीं रह गया। बड़ा लड़का संजय शुक्ला, क्या किया हमको पढ़ा के ओ, हमार मत मार के टिकिया खवा के हमका लईगा और हमार सब 10 करोड़ छाप रहा न उठा लगवा ली ने थी। हमें होश नहीं हुई, पूछे तो कहे कि तो बीमार है, एक हमारे करा रहे और उठा मार लगवा के और सारी जमीन हमार 10 लाख के बेच ली ने उन्नाव जिला। ये एक नौबस्ता थाना क्षेत्र का एक मामला आज संज्ञान में आया है, जिसमें बुजुर्ग दंपति जो है उनकी शिकायत है अपने बेटे और पुत्र वधू के खिलाफ कि उनको घर से बाहर निकाल दिया गया है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। तो इसमें जांच के लिए आदेश कर दिए गए हैं और तत्काल जल्द से जल्द इसमें जो भी नेसेसरी विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। और इसी बीच बड़ी खबर कानपुर से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे सीएसए। कानपुर से बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे सीएसए, यूपी डिफेंस एक्सपो के कार्यक्रम में कर रहे शिरकत। हेलेट उर्सुला यानी किसी सरकारी स्कूल का कर सकते हैं औचक निरीक्षण। और इसके साथ ही ट्रीटमेंट प्लांट का भी कर सकते हैं निरीक्षण, संबंधित विभागों में मचा हड़कंप। बड़ी खबर कानपुर से। और इस खबर पर हमें अपडेट करने के लिए हमारे संवाददाता अभिलाष वाजपेयी हमसे जुड़ चुके हैं। जी अभिलाष, आना चाहूंगी जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ सीएसए पहुंच चुके हैं, क्या कुछ अभी कार्यक्रम वहां पर हो, कार्यक्रम कहां तक पहुंचा है और क्या कुछ कार्यक्रम रह सकता है पूरे दिन उनका? जी देखिए, आपको बता दें कि यूपी डिफेंस एक्सपो 2018 की शुरुआत भी 2 दिन पहले कानपुर में हुई थी, जिसमें आप शिरकत करने के लिए जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ वहां पहुंच चुके हैं। उनका स्वागत करने के लिए यहां पर जो यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं सतीश महाना वो मौजूद थे। इसके अलावा अन्य जितने मंत्री हैं कानपुर शहर में और जो यहाँ के विधायक हैं सांसद हैं वो सभी वहां पर मौजूद थे, सभी प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद थे, सभी ने उनका स्वागत किया है। जिसके बाद वहां पर दीप प्रज्वलन के बाद अभी कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। इसके अलावा ऐसा बताया जा रहा है कि वहां पर सीएसए में भी वो औचक निरीक्षण ले जा सकते हैं या अन्य कई ऐसी जगह हैं, जैसे कि ट्रीटमेंट प्लांट, यहां पर अभी 2 दिन पहले ही एक ट्रीटमेंट प्लांट की शुरुआत हुई है, जो यहां का सीसा मऊ नाला था उसको मोड़ने के लिए, तो हो सकता है उसका भी वो औचक निरीक्षण करे। तो इस तरह की तमाम चीजें अभी तक संज्ञान में आ रही है। जी अब मैं जानना चाहूंगी क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, कितने समय तक वो शहर में रुक सकते हैं? जी अभी तक देखिए जो उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है वो करीब 1 घंटे का बताया जा रहा है। अभी तो वो जो एक्सपो लगा हुआ है वहां पर जा रहे हैं, एक्सपो में बहुत ही डिफेंस की ऐसी चीजें लगाई गई हैं जो बहुत ही आधुनिक है, उनकी जानकारी वो ले रहे हैं। इसके आगे का कार्यक्रम जैसा कि मैंने बताया कि कई वो औचक निरीक्षण कर सकते हैं, तो वो तो अभी कुछ देर बाद ही जानकारी मिलेगी कि यहाँ से जो डिफेंस एक्सपो है वहां से निकलने के बाद उनका क्या कार्यक्रम है। जी जैसे कि बताया जा रहा है कि इस औचक निरीक्षण के चलते संबंधित विभागों में हड़कंप समझ गया है, तो क्या कुछ स्थिति अभी वहां की, क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? जी देखिए, जब से इस बात की जानकारी मिली है कि जो सीएम है वो कोई औचक निरीक्षण, जैसा कि मैंने ट्रीटमेंट प्लांट बताया है कि सीएसए से कुछ दूरी पर ही वो ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है जो सीसा मऊ नाले को मोड़ रहा है और जो वहां से उसका पानी साफ कर रहा है, कुछ ही दूरी पर उसकी स्थित है वो सीएसए से, तो वहां के लिए सबसे ज्यादा संभावना जताई जा रही है कि वो वहां का हो सकता है निरीक्षण करें। जबकि वहां पर पहले से ही पूरी तैयारियां लगभग पूरी हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पर पहले से सारी तैयारियां पूरी कर चुके हैं। अगर वो निरीक्षण करते हैं तो मुझे लगता है कि शायद वहां पर पहले से ही उनके लिए पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए, नजर बनाए रखिएगा आप। बड़ी खबर हम आपको कानपुर से दे रहे थे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ सीएसए पहुंच चुके हैं और यूपी डिफेंस एक्सपो के कार्यक्रम में कर रहे हैं शिरकत। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नोफार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। पिक्चर देखने चलोगी? ना बाबा, सर और बदन में दर्द है। ये लो अजूबी। अजूबी दर्द भगाए, आराम पहुंचाए। अजूबी, कमाल की अजूबी। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नोफार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। अरे भाई तैयार हो जाओ, 3 घंटे में फ्लाइट है, 3 फंक्शन है बॉस। मेरा तो सब सेट है। पर आप? ला मिले आर्डर, स्पेशल मोमेंट्स फॉर एवरीवन। गॉसिप्स के गलियारों का हाल, सितारों की हर वो बात, पर्दे के पीछे की कहानी, हम लाएंगे सिनेमा की जुबानी सिर्फ खबर फिल्मी पर। देखिए शाम 4:30 सिर्फ JMD न्यूज पर। वो कुछ भी करें, आपकी परेशानी का होगा हल। बड़ा से बड़ा अपराध करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज और उन्हें सजा न दी जाए। देखते रहिए पब्लिक फोरम सिर्फ JMD न्यूज पर, डॉक्टर रमेश वर्मा के साथ। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डेन का डिजिटली महाअवतार, अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डेन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉनस्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक, मींस फुल एंटरटेनमेंट, कुछ भी कहीं भी। जब आपके मोबाइल में होगा डेन टीवी प्लस, फिर तो ऐश ही ऐश है बस। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से, जहां राजा भैया ने किया है नई पार्टी का ऐलान। बड़ी खबर लखनऊ से, राजा भैया ने किया नई पार्टी का ऐलान। जनसत्ता पार्टी का किया ऐलान। राजा भैया ने चलाया सवर्ण कार्ड, SC ST एक्ट में संशोधन का किया विरोध। कहा कि 80% समर्थक चाह रहे हैं नई पार्टी। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां राजा भैया ने किया नई पार्टी का ऐलान। लखनऊ से बड़ी खबर, राजा भैया ने किया नई पार्टी का ऐलान। जनसत्ता पार्टी का किया ऐलान। आपको बता दें बड़ी खबर लखनऊ से। और इस खबर पर हमसे बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रमेश वर्मा हमसे जुड़ चुके हैं। जी सर, जानना चाहूंगी कि जिस तरह से ये नई पार्टी का ऐलान किया है राजा भैया ने और सवर्ण कार्ड चला है, तो क्या कुछ असर पड़ेगा अब सियासी दलों में? फिलहाल तो जिस तरीके से राजा भैया ने आज सत्ता पार्टी की घोषणा की है, इसकी पहले संभावनाएं थी और उन्होंने पहले भी कहा है कि 25 साल मेरी राजनीति के पूरे हो जाएंगे तब मैं नए सिरे से अपनी राजनीति शुरुआत करूंगा। निश्चित रूप से राजा भैया है उत्पीड़न के शिकार भी हुए, खासतौर से मायावती की सरकार में जब उनके ऊपर कोटा भी लगा, और यही कारण है कि उनके मन में एक विशेष प्रकार का प्रतिशोध की भावना रही जी। और उस प्रतिशोध की भावना को देखते हुए और उन्होंने जानबूझ करके देखा कि सवर्णों के साथ एक तरफा जैसा अन्याय सा हो रहा है, खासतौर से SC ST एक्ट को लेकर के, इसीलिए
उन्होंने उन सबको एकजुट करने के लिए, संगठित करने के लिए और अपनी एक नई ताकत दिखाने के लिए आज उन्होंने अपनी पार्टी की घोषणा की है। और निश्चित रूप से वो पूरी तरीके से सवर्ण कार्ड ही खेलेंगे और सवर्ण कार्ड खेल करके जो इसका जो परिणाम आएगा इसमें बहुत बड़ा नुकसान गठबंधन को भी हो सकता है और कहीं ना कहीं बीजेपी भी इससे प्रभावित हो सकती है। ये दोनों के लिए नुकसानदायक है। जी, सीधे तौर पे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से अब ये नया ये पार्टी का जो गठन हुआ है इससे सियासी समीकरण किस तरह से प्रभावित होंगे? हाँ, मैंने अभी यही तो बताया कि सियासी समीकरण ये प्रभावित होंगे कि एक ओर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ महागठबंधन बन रहा है। जब महागठबंधन बन रहा है तो उसमें अगर राजा भैया की ताकत जो है पूरी तरीके से एक नई शक्ति के रूप में उभरेगी तो इससे गठबंधन को भी झटका लग सकता है। और वहीं दूसरी ओर ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि एक बहुत बड़ा वर्ग SC ST एक्ट को लेकर के जो उसमें बदलाव हुआ है भारतीय जनता पार्टी से भी नाराज है। तो ये भी संभव है कि राजा भैया अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए बीजेपी के इन लोगों को भी अपने पाले में लाए और अपनी एक नई शक्ति, तो इससे बीजेपी को भी नुकसान हो सकता है, इसमें दो राय नहीं है। जी, जिस तरह से राजा भैया समाजवादी पार्टी के बेहद करीब माने गए हैं, करीब थे वो, तो सपा की अगर बात की जाए तो उसको किस तरह से नुकसान हो सकता है और कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, राजा भैया जो है न केवल सपा के साथ थे लेकिन एक समय था जब राजनाथ के हाथ में सत्ता थी यूपी की तो उस समय राजा भैया भारतीय जनता पार्टी के साथ भी थे। लेकिन राजा भैया ने एक अपना करेक्टर रखा कि वो किसी की पार्टी में शामिल नहीं हुए और निर्दलीय रूप में रहे और मंत्री पद को उन्होंने सुशोभित किया। जब अखिलेश की सरकार बनी तो उसमें भी वो मंत्री बने और निर्दलीय रूप में रहे लेकिन सपा में शामिल। सपा के निश्चित रूप से नजदीकी थे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरीके से सपा ने मायावती के साथ गठबंधन की बात की उससे उनको तकलीफ हुई, उन्होंने इसको उचित नहीं माना। क्यों? क्योंकि मायावती ने उनके साथ जो भी कार्रवाइयां की उसे उससे जो है वो बुरी तरीके से आहत हुए। उनके ऊपर कोटा लगाया गया, उनको उनको उनकी राजनीति को खत्म करने का पूरा प्रयास किया गया मायावती के शासन में, तो उससे वो मायावती से बदला लेना चाहते थे। इसी कारण राज्यसभा का जब चुनाव हो रहा था तो उन्होंने एक बार ये कह भी दिया खुल करके, नहीं नहीं हमको सपा को साथ देंगे। लेकिन चूंकि उनका मायावती से गठबंधन था इसलिए उन्होंने एक तरीके से उससे मुकर गए और सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले गए और राज्यसभा में जो सपा ने वोट देने के लिए कहा था वो वोट उन्होंने नहीं दिया। और इसी कारण मायावती को ये कहना पड़ा कि अभी अखिलेश राजनीतिक दृश्य से कमजोर है, कच्चे हैं, इसी क्योंकि जिस तरीके से राजा भैया ने उनको धोखा दिया। और जब राज्यसभा में वोट पड़ गया उसके बाद जो पूरी तरीके से राजा भैया योगी आदित्यनाथ से मिलने गए उसी समय एक स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी कि अब राजा भैया पूरी तरीके से अपनी नई शक्ति के साथ उभरेंगे। ये जी, जब जब जिसको भी साथ दिया है राजा भैया ने सीधे तौर पर असर दिखा है, सपोर्ट किया है, फायदा हुआ है पार्टी को, तो अभी अगर बात की जाए, अभी की स्थिति की बात की जाए तो जब भी उन्होंने साथ दिया है तो निश्चित रूप से उस पार्टी को, खास तौर से जो उनका जो प्रतापगढ़ उसके आस पास का जिला है उसका भी बहुत बड़ा असर पड़ा। और माना तो ये जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरों के नेता के रूप में राजा भैया उभरेंगे और अपनी छवि उसी रूप से बनाएंगे। वही होगा कि जहां यादव के रूप में अखिलेश यादव, मुलायम सिंह, दलितों के रूप में मायावती, उसी प्रकार से ठाकुरों के रूप में राजा भैया उभरेंगे और अपनी। और ये बात बिल्कुल सही है कि ठाकुर समाज जो है वो भी चाहता है कि हमारा भी एक नेतृत्व बने और ये देखना बस होगा कि राजा भैया इस दिशा में कितना सफल हो पाते हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि अभी जो नया नया वातावरण बना है उससे राजा भैया को एक नई ऊर्जा मिलेगी। जी बिल्कुल, और इस नई ऊर्जा का महागठबंधन पर क्या असर पड़ेगा ये जानना चाहूंगी। मैंने आपसे बताया था कि इसका गठबंधन पर भी असर पड़ सकता है और इसलिए गठबंधन का, क्योंकि
बीजेपी के खिलाफ जब तक सारी शक्तियां एक नहीं होंगी जी। तो उसमें नुकसान होगा गठबंधन का। जैसे कि अब शिवपाल अलग हो गए हैं, अब शिवपाल अगर चाहे कुछ उन्होंने ऐलान कर दिया कि सब सीटों पे लड़ेंगे, अब वो अगर मान लिया हजार हजार पांच पांच सौ वोट भी या पांच पांच हजार भी वोट या दस दस हजार भी वोट अपनी प्रत्याशियों को दिला पाए, मान लो जीतने की स्थिति में ना भी हो, तो नुकसान तो कुल मिलाकर के गठबंधन का ही होगा। इसी प्रकार से राजा भैया जब तेजी के साथ उभरेंगे तो जो सपा जो भारतीय जनता पार्टी का विरोधी वोटर है जो सपा और बसपा के साथ जाने के लिए था, वो राजा भैया से जब जुड़ेगा तो भी नुकसान जो है महागठबंधन का ही होगा। जी बिल्कुल। और जानना चाहूंगी यहाँ पे एक सवाल और उठता है कि जिस तरह से शिवपाल की पार्टी को बीजेपी की बी पार्टी कहा जाता है, तो क्या उसी तरह से राजा भैया की इस पार्टी को भी बीजेपी की बी पार्टी कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है, इसमें भी दो राय नहीं है। इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जो राजा भैया है, राजा भैया की सारी राजनीति के निशाने पर मायावती होंगी, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि बार बार एससी एसटी का जो है जो बदलाव सब विरोध कर रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि जाति आधार पर प्रमोशन नहीं होना चाहिए, वो ये भी कह रहे हैं कि कानून सबके साथ बराबर होना चाहिए, वो ये भी कह रहे हैं कि योग्यता के आधार पर प्रमोशन होना चाहिए। तो ये सारी बातें जो है वो मायावती की जो रीत नीति है, जो उनकी फिलॉसफी है, उसके खिलाफ है। और यही जो है एकजुटता जो है गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकती है। जी बिल्कुल। यहाँ पर एक तरीके से ठप्पा सा लग रहा है बीजेपी की बी पार्टी होने का राजा भैया की पार्टी को, तो क्या मतदाताओं की मनस्थिति पर क्या फर्क पड़ेगा वोट देने के दौरान? वोट देने के दौरान बस यही फर्क पड़ेगा कि जो एक जागरूक मतदाता है, जो एससी एसटी को लेकर के उद्भवित है या समाज में अपनी एक हैसियत रखता है, वो सारे लोग जो है एकजुट होंगे और एकजुट होकर के ये ताकत, हाँ अगर राजा भैया अपनी अच्छी खासी ताकत को दिखा सके, क्योंकि अभी तो वक्त बताएगा कि राजा भैया कितने सफल होते हैं, क्योंकि अभी राजा भैया का कोई पूरे प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है, लेकिन जाति आधार पर अगर आएगा तो जो सवर्ण और सवर्ण में भी विशेषकर जो छिपली समाज होगा, जो ठाकुर समाज होगा, वो जब उनसे जुड़ेगा जाकर के, तब जो है एक नया आधार जो है राजनीति का बनेगा। और फिर उसे अगर भी हो सकता है कि जिसे बीजेपी की बी पार्टी भी कहा जाए, तो बीजेपी चाहती है कि जितने ज्यादा ज्यादा उसके विरोधियों के वोट बटेंगे उतना ही उसको फायदा होने वाला है। क्योंकि जो गोरखपुर और जो उनके उप मुख्यमंत्री कौशाम्बी में जो चुनाव हुआ और उस चुनाव में जिसपुरपुर में जो चुनाव हुआ और उसमें जिस तरीके से विरोधी जो वोट था वो एक हो गया बीजेपी का और दोनों सीटें बीजेपी हार गई, वही अब जो है ऐसे में जब वोट का बंटवारा होगा तो सीधा सीधा लाभ बीजेपी को भी मिल सकता है। लेकिन इस पर भी ये देखना है कि रूट किस करवट बदलेगा, ये समझ रखा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए। बड़ी खबर अब आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां आपको बता दें कि राजा भैया ने नई पार्टी का ऐलान किया है, पार्टी को नाम दिया जनसत्ता पार्टी। जनसत्ता पार्टी का ऐलान किया है राजा भैया ने, सवर्ण कार्ड चला है जिसमें एससी एसटी एक्ट में संशोधन का भी विरोध किया है और कहा है कि 80% समर्थक चाह रहे हैं नई पार्टी। और इसके साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।